नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच जो मैच खेला गया है उसके बारे में बताएंगे, जहां पर ये सेकेंड ओडीआई है आउट ऑफ थ्री। तीन मैचों में से ये दूसरा मैच है और जहां पर श्रीलंका ने 2-0 से लीड बना ली है, तो आइए बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि आप पाएंगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आपको बता दें, बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 238 रन बनाए 8 विकेट खोकर। उसके जवाब में मात्र 44.4 ओवर में ही श्रीलंका ने 238 रन का पीछा करते हुए 242 रन बना डाले 3 विकेट खोकर, यानी कि 32 बॉल शेष रहते हुए श्रीलंका ने 7 विकेट से यह मैच जीत लिया। बात की जाए अगर प्लेयर ऑफ द मैच की, यानी कि मैच के हीरो की, तो वो है अविष्का फर्नांडो। अविष्का फर्नांडो ने 75 गेंद खेलकर 82 रन बनाए। सबसे पहले अगर बात की जाए बांग्लादेश के बैट्समैन की और उसके बाद श्रीलंका के बॉलर्स की, तो बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहीम सबसे ऊपर नजर आए, जो अपने शतक से जरूर चुके लेकिन एक अच्छा खासा स्कोर तय करने के लिए उनकी काफी बड़ी मदद रही, जहां पर उन्होंने 110 गेंद खेलते हुए 98 रन बनाए नवाद रहते हुए। महदी हसन ने 49 गेंद खेली और 43 रन बनाए। वह इनके बाद तमीम इकबाल आते हैं, जो मात्र 19 रन बनाए और 31 गेंद खेली। बात की जाए इनके बाद अगर श्रीलंका के बॉलर्स की, तो श्रीलंका की तरफ से अकेला धनंजय ने 2 विकेट लिए, 39 रन दिए 10 ओवरों के अंदर। वहीं नुवान प्रदीप ने 10 ओवरों के अंतर्गत 53 रन देकर 2 विकेट लिए। ईश्वर उडाना ने 58 रन दिए, 2 विकेट लिए 10 ओवरों। अगर अब बात की जाए श्रीलंका के बैटिंग ऑर्डर की और बांग्लादेश की बॉलिंग की, तो श्रीलंका की तरफ से अविष्का फर्नांडो ने सबसे ज्यादा 82 रन बनाए 75 गेंदों का सामना करते हुए। एंजेलो मैथ्यूज ने 57 रन गेंदों का सामना करते हुए 52 रन बनाए। वहीं कुशल मंडिस ने 41 रन बनाए 74 गेंदों का सामना करते हुए, और ये लास्ट तक नाबाद रहे। एंजेलो मैथ्यूज और कुशल मंडिस दोनों तो लास्ट बॉल तक खेलते रहे, यानी कि इनके 3 विकेट ही गए थे, और जिनमें अविष्का फर्नांडो ने काफी अच्छी बैटिंग की। उनके अगर बात की जाए बांग्लादेश की बॉलिंग की, तो मुस्तफिजुर रहमान ने 8 ओवर में 50 रन देकर 2 विकेट लिए। वही महदी हसन ने 10 ओवर में 51 रन देकर 1 विकेट लिया। वही सौम्य सरकार को 2 ओवर में 16 रन के भीतर कोई विकेट हासिल नहीं हुआ, क्योंकि 3 विकेट ही उछले थे श्रीलंका के, और जो कि मुस्तफिजुर रहमान को और महदी हसन को हाथ लग गए। तो इस प्रकार से टोटल बॉलिंग बैटिंग यानी कि ओवरऑल मैच की बात रही। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही तीसरे मैच की भी हाइलाइटेड पॉइंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।